तस्वीरों में दिख रहा यह जल सैलाब और तेजी से चलती तूफानी हवाएं यह नजारा है देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का, जहां जल सैलाब और तूफानी हवाएं सब कुछ अपने साथ ले जाने को उतावली हो चली हैं। दरअसल तमिलनाडु में चक्रवात मिचोंग ने अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते राज्य में भारी बारिश हो रही है और तूफानी हवाएं चल रही हैं। चक्रवात मिचोंग आज यानी 4 दिसंबर की सुबह उत्तरी तमिलनाडु तट से आगे बढ़ चुका है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। तूफान का असर चेन्नई में भी देखने को मिल रहा है, जहां सड़कों पर भारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और तेज हवाओं के चलते जगह जगह पेड़ गिरने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। समुद्र में भी बढ़ी हलचल। चक्रवात की वजह से समुद्र में भी हलचल बढ़ गई है। समुद्र में भी तेज लहरें उठ रही हैं। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन की माने तो मिचोंग चक्रवात दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल यह चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। 5 दिसंबर की सुबह को इस चक्रवात के कारण नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच भारी तूफान और लैंडफॉल की संभावना है। चेन्नई में हवाई सेवा भी प्रभावित। चक्रवात मिचोंग के कहर के चलते चेन्नई में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहां रेल सेवा तो पहले ही अस्त व्यस्त हो चुकी है, लेकिन उसके साथ ही अब हवाई सेवा पर भी गंभीर ब्रेक लग गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया ने शहर से आने वाली और जाने वाली सभी उड़ानें 4 दिसंबर रात्र 11 बजे तक निलंबित कर दी हैं। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से सोमवार को चेन्नई से ऑपरेट होने वाली 33 उड़ानों को बेंगलुरु हवाई अड्डे की तरफ डायवर्ट कर दिया गया। वहीं चक्रवात को देखते हुए राज्य में अलर्ट भी जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने और लोगों को समुद्र तट से दूर हो जाने के लिए निर्देशित किया गया है। चक्रवात मिचोंग को लेकर सरकारी प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और चक्रवात को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो तमिलनाडु के पुलियनथोप इलाके का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि घुटनों के ऊपर तक पानी भरा है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं और कई जगहों पर बिजली भी नहीं है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। चक्रवात के चलते देश के अन्य कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।